शिलाई ग्राम पंचायत सभागार में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य तौर पर जिला कार्यक्रम प्रबंधक वीरेंद्र ठाकुर तथा स्थानीय बैंकों के प्रबंधक उपस्थित रहे। शिविर में स्कूली छात्रों सहित सैकड़ों महिलाओं को वित्तीय जानकारी साझा की गई। जिला कार्यक्रम प्रबंधक ग्रामीण विकास विभाग ने शिविर में जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य गरीब उन्मूलन के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देकर हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है। ग्रामीण क्षेत्रों को गरीब स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर विभिन्न प्रकार के लघु व्यवसाय के लिए सरकार स्थानीय बैंकों से सब्सिडी और कम ब्याज दरों पर विशेष लोन मुहैया करवाने में सहायता दी जाती है। बैंक प्रबंधकों ने शिविर में उपस्थित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अनेकों परियोजनाओं के लिए मिलने वाले ऋण लाभ व ऑनलाइन ठगी से सतर्कता के संदर्भ में विस्तार से बताया। टिम्बर की दातुन स्वयं सहायता समूह के ब्रांड का देसी घी के व्यापार जैसे अनेकों व्यवसाय ग्रामीण स्तर से शुरू किए जा सकते हैं। स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए बैंक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। हिमाचल प्लस उसके लिए शिलाई से रवि तोमर की रिपोर्ट। दूसरा स्टेप जो था उनको फाइनेंशियली जैसे आपने बोला कि सपोर्ट करना, उसमें जैसे सबसे पहले ऐसे जब बनता है तो सबसे पहले स्टार्टअप फंड 2500 रुपया मिलता है, जैसे आप लोगों ने स्टेशनरी का सामान लेना है। फिर उसके बाद जब वो मेच्योर हो जाता है 6 महीने बाद फिर 15,000 रिवॉल्विंग फंड मिलता है। इसके अलावा जो 2018 में ग्रुप बने थे 25,000 स्टेट गवर्नमेंट ने और भी 25,000 रिवॉल्विंग फंड दिया था, यानी कि 40,000 रिवॉल्विंग फंड दिया था। उसके बाद जब वो बीओ के साथ फेडरेट होता है तो बीओ के अंदर जितने एसएचजी है 50,000 पर एसएचजी के हिसाब से सीआईए फंड मिलता है उनको। फिर 45,000 बीओ को ऑफिस सेटअप के लिए स्टार्टअप फंड मिलता है। इसके बाद जब सीएनएफ लेवल पे जाते हैं तो सीएनएफ को इनिशियल स्टेज पे ऑफिस सेटअप के लिए 1,10,000 रुपया मिलता है। जब वो उसका ऑफिस सेटअप हो जाता है उसके बाद फिर 3,50,000 रुपये टोटल उसको ऑफिस सेटअप के लिए मिलता है। और इस तरह से ये चैनल इसके अलावा जैसे पीएफएम स्कीम है 40,000 रुपये पर मेंबर, एसएचजी मेंबर को 40,000 एंटरप्राइज स्टार्ट करने के लिए, जैसे किसी ने फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो भी काम करना है ना, वैसे तो होता ही है, मसाले का काम करना है, जैसे दूध का काम करना है, जैसे पनीर बना रहा कोई, घी बना रहा हो तो हर घर घर में होता ही है, वो होता है इनिशियल स्टेज पे, उसको बोलते हैं सीड मनी। उसके बाद अगर बड़ा काम करना है जैसे ये सर बोल रहे थे कि ये बात की गई थी, अब जो थर्ड स्टेज है उस स्टेज पे अब हम जा रहे हैं। पहली स्टेज हो गई इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, दूसरी होगी फाइनेंशियल सपोर्ट, वो काफी दोनों स्टेज हम पार कर चुके हैं। अब तीसरा स्टेप है कि आप लोगों को लाइवलीहुड मार्केटिंग से जोड़ना। अब उसमें तीसरे स्टेज में जैसे प्रोड्यूसर ग्रुप अभी बन रहे हैं, फिर उसके बाद अभी यहाँ पे बना नहीं है इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर भी बन रहे हैं, SBEP स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम बनना है। उसके लिए क्या होगा कि पूरा एक ग्लोबल लेवल पे क्लस्टर लेवल पे जो पैकेजिंग और मार्केटिंग के लिए वो क्लस्टर बनेंगे, वहाँ पे जितना भी सामान होगा ना, जैसे आप यहाँ पे लहसुन का भी होता है, अदरक होता है, उसको प्रोसेस कैसे करना, प्रोसेस करके फिर उसको प्रोडक्ट तैयार करना, उसको मार्केट से कैसे जोड़।